अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर सिक्स. इन लेक्चर नंबर सिक्स वी विल डू लेटर नंबर 40 प्लस फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस. इन फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस वी डू हियर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. द टेक्निक ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज विल और शैल, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, एंड आफ्टर बी वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, plus by plus subject, and at the end we use a question mark. And after that we will write down below it exercise, the exercise which is given, we will do unsolved exercise of your board composition which is given in solved form on your notes. It's a page number 284. The first one sentence in your note says naya bijli ghar kahan banaya jayega kahan. So in such type of the sentences, where the word kab, kahan, kyun, kaise, these are all called the questioning words. In such type of the sentences, we translate these words. These words are also called questioning words. So we will translate this word at the beginning of a sentence, and after this questioning word, we use here helping verb. Kahan, where. बनाया जाएगा, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब. वेयर विल, नया बिजली घर, दिस इज द ऑब्जेक्ट हेयर. वेयर विल द न्यू पावर हाउस, बनाया जाएगा, दिस इज द वर्ब एक्शन वर्ड बी बिल्ड. वेयर विल द न्यू पावर हाउस बी बिल्ड. क्या फसल को खाद दे दी जाएगी, क्या फसल को, दिस इज द ऑब्जेक्ट हेयर. विल द क्रॉप दे दी जाएगी, बी गिवन खाद, फर्टिलाइजर. विल द क्रॉप बी गिवन फर्टिलाइजर. ये पैगाम किसको दिया जाएगा, किसको, दिस इज द क्वेश्चनिंग वर्ब. यू ट्रांसलेट फर्स्ट ऑफ ऑल टू होम, एंड देन यू यूज अ हेल्पिंग वर्ब टू होम विल. ये पैगाम, ऑब्जेक्ट, दिस मैसेज दिया जाएगा, वर्ब बी गिवन टू होम, दिस मैसेज भी विल बी गिवन. क्या ये चिट्ठी रजिस्ट्री भेजी जाएगी, क्या ये चिट्ठी, क्या ये चिट्ठी. विल दिस लेटर, दिस इज द ऑब्जेक्ट, रजिस्ट्री भेजना, बी रजिस्टर्ड. विल दिस लेटर बी रजिस्टर्ड. ईद की नमाज कौन पढ़ाएगा, कौन, दिस इज द क्वेश्चनिंग वर्ड. बाय होम विल द ईद प्रेयर, ईद की नमाज, ईद प्रेयर पढ़ाई जाएगी, बी लेड. बाय होम विल द ईद प्रेयर बी लेड, इट्स अ थर्ड फॉर्म ऑफ लीड, LED लेड. बगैर दूध चाय कैसे बनाई जाएगी, कैसे, क्वेश्चनिंग वर्ड हाउ. देन यू से द हेल्पिंग वर्ब विल, हाउ विल चाय, दिस इज द ऑब्जेक्ट. हाउ विल टी बनाई जाएगी, बी मेड. वर्ब बगैर मिल्क के, विदाउट मिल्क. हाउ विल थी बी मेड विदाउट मिल्क. कितनी किताबों की जिल्दें खी जाएंगी, कितनी किताबों की, क्वेश्चनिंग वर्ड्स. हाउ मैनी, हाउ हाउ, एंड मैनी बुक्स, मैनी बुक्स, दिस आर द ऑब्जेक्ट. हाउ मैनी बुक्स, देन यूज हेल्पिंग वर्ब विल, विल बी बाउंड, जिल्द बनाना, बाउंड. हाउ मैनी बुक्स विल बी बाउंड. गाड़ी कहाँ खड़ी कर ली जाएगी, कहाँ, वेयर, दिस इज द क्वेश्चनिंग वर्ड, वेयर. वेयर नाउ यूज आफ्टर दिस हेल्पिंग वर्ब, वेयर विल, गाड़ी ऑब्जेक्ट. वेयर विल द कार खड़ी की जाएगी, बी पार्क्ड. वेयर विल द कार बी पार्क्ड. पुलिस के सिपाहियों को तरबियत कहाँ दी जाएगी, कहाँ, क्वेश्चनिंग वर्ड, वेयर दी जाएगी, वेयर विल. पुलिस के सिपाहियों को, पुलिसमैन, तरबियत देना, ट्रेनिंग करना, बी ट्रेंड. वेयर विल पुलिस बी, पुलिसमैन बी ट्रेंड. मुझे, क्या मुझे इस दफ्तर में डायरेक्टर लगा दिया जाएगा, क्या मुझे. शेल आई हेयर द सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, बट दिस सब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैसिव, इन पैसिव फॉर्म इट इज प्रेजेंट बिकॉज सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एनी वर्क हेयर, बट इंस्टेड ऑफ दैट द वर्क इज डन ऑन द सब्जेक्ट. मुझे लगाया जाएगा, क्या मुझे लगाया जाएगा. शेल आई बी, लगाया जाएगा, अपॉइंटेड. डायरेक्टर एज डायरेक्टर, इस दफ्तर में, इन दिस ऑफिस. शेल आई बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन दिस ऑफिस. उसे कब तरक्की दी जाएगी, उसे कब तरक्की दी जाएगी. आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज कब, वैन, दिस इज अ क्वेश्चनिंग वर्ड. वैन विल ही बी प्रमोटेड, तरक्की देना, प्रमोशन. वेयर विल ही बी प्रमोट इज अ वर्ब हियर, सो थर्ड फॉर्म इज प्रमोटेड. वैन विल ही बी प्रमोटेड. क्या कमरा सुबह साफ कर दिया जाएगा, विल द रूम, दिस इज द ऑब्जेक्ट. विल द रूम बी क्लीन्ड, सुबह, इन द मॉर्निंग. विल द रूम बी क्लीन्ड इन द मॉर्निंग. मकान कब खाली किया जाएगा, कब, इज द क्वेश्चनिंग वर्ड. व्हेन विल द हाउस, ऑब्जेक्ट. व्हेन विल द हाउस बी खाली करना, वर्ब बी वोकेटेड. व्हेन विल द हाउस बी वोकेटेड. क्या कल इम्तिहान के नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा, विल द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इम्तिहान का नतीजा, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ऐलान कर दिया जाएगा, बी अनाउंस्ड.
सुबह टुमारो विल द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन भी अनाउंस्ड टुमारो सो टोटल 14 सेंटेंसेज आर इंक्लूडेड इन दिस इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज सो यू आर टू लर्न दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पैसिव वॉइस बाय हार्ट एट क्लास नाउ लुक एट दिस लेटर नंबर 14 द टॉपिक फॉर दिस लेटर इज राइट अ लेटर के खत लिखे टू योर सिस्टर अपनी बहन को थैंकिंग जिसमें उसको थैंकिंग हर जिसमें उसका शुक्रिया अदा करें फॉर अ गिफ्ट तोहफे के लिए कि खत लिखे जिसमें आपने अपनी सिस्टर को शुक्रिया के तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करना है सो डियर रुखसाना और वट एवर यू कैन राइट ऑन द नेम हेयर और इंस्टेड ऑफ द नेम यू कैन ऑल्सो मैंशन हेयर डियर सिस्टर एंड देन यू राइट ऑन हेयर द बॉडी आई होप डैट यू आर इन गुड हेल्थ आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी सेहत अच्छी है आई रिसीव्ड मैंने वसूल किया योर गिफ्ट ऑफ अ रिस्ट वॉच के रिस्ट वॉच का जो तोहफा था गिफ्ट था वो मैंने वसूल किया ऑन माई बर्थडे अपने बर्थडे पे 2 days ago 2 दिन पहले इट इज़ ब्यूटीफुल वॉच एक बड़ी खूबसूरत घड़ी है आई नीडिड इट नीडिड इट ज़रूरत थी मुझे इसकी ज़रूरत थी बैडली कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी बैडली टू बहुत ज़्यादा एस आई हैपन टू लूज माई वॉच इन अ मिसहैप एक हादसे में क्योंकि एक हादसे में लूज मीन खो जाना क्योंकि एक हादसे में मेरी घड़ी खो गई थी इन अ फ्यू डेज अगो चंद दिन पहले आई प्रोमिस मैं वादा करती हूँ डेट आई शेल टेक केयर ऑफ इट मैं इसका ध्यान रखूँगी एंड आई विल इट विल ऑल्सो हेल्प मी और ये मेरी मदद करेगी टू मेक मी पंक्चुअल मुझे वक्त का पाबंद बनाने में मदद करेगी पंक्चुअल मीन पाबंद बनाना वक्त का आई थैंक यू अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर दिस प्रेशियस गिफ्ट इस कीमती घड़ी के लिए एंड एट द एंड इन द क्लोज यू विल राइट डाउन हियर एज यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर सिस्टर सो द क्लोज विल बी योर्स अफेक्शनेटली एक्स वाई जी सो यू आर टू लर्न एंड राइट डाउन दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वॉइस प्लस लेटर नंबर 14 यू आर टू लर्न एंड राइट बाई हार्ट